नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में मैं राज आपको हम बताने जा रहे हैं कि अभी जो है आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म भरकर पूरा प्रिंट करने तक का आपको पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ये है आज से शुरू हो गया या बारह जून तक चलेगा मैं क्लियर कर दूँ आपको जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर अभी मैं टी एम यू के साइड पर हूँ जहाँ पर कि अभी अभी जो है लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है हम आपको बिल्कुल बारकी से बताएँगे स्टेप बाय स्टेप बताएँगे जहाँ से आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद से भी फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी कैफे में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसलिए आप क्लियरली जान लेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है हम हर एक प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे इसी कारण आप हमारे साथ बने रहें हम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइट धन सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ है बटन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना होगा गूगल पर आना होगा लिखना होगा सरकारी इन्फॉमेशन डॉट कॉम सरकारी इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम लिख कर आपको सर्च कर लेना है अपने फ़ोन में जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ये फ़ोन के माध्यम से भी अप्लाई हो सकता है तो क्या करना नॉर्मली आपको जस्ट सरकारी इन्फॉमेशन डॉट कॉम सर्च कर लेना है जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं नीचे स्क्रॉल करना है जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको आना है एडमिशन वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको सबसे टॉप देखने को मिल जाएगा टी एम यू यू जी एडमिशन तेईस सत्ताईस ये नॉर्मली इस पर क्लिक करना चाहे इस पर क्लिक करेंगे तो टी एम एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी बात है बिल्कुल बारकी से इस आर्टिकल के माध्यम में साझा किया गया जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट क्या है कितना फ़ी लगेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि सारा यहाँ पे डेट दिया हुआ जैसे सुधार करने के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं कोई चीज़ गलती हो जाता है उसकी सुधार करने की तिथि दी हुई है यहाँ पे मेरिट लिस्ट कब आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा हर एक चीज़ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है सारा कुछ यहाँ मेंशन के इसको पढ़ लेंगे अन्यथा नीचे आना है आने के बाद यहाँ पे इस बिल्कुल नीचे चले आइए यहाँ पर महत्वपूर्ण यह दे रखा है लिंक नीचे आना है यहाँ पे इंट्रेक्शन भी दिए हुए हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है तो ये भी आप इसको भी पढ़कर भर सकते हैं अन्यथा आपको नीचे स्कॉल आना है आने के बाद यहाँ पे आपको देखने का ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर पे क्लिक जब करिएगा तो आपके सामने जो है ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ से आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं अब सबसे पहले आपको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करना होता है न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं टिक माक करने का मतलब ये हो गया ये आपका इंट्रक्शन आ जाएगा कुछ इस तरह का जिसमें हर एक बात को बारकी से बताया गया जैसा कि आप देख सकते हैं इसको आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें अन््यथा इसमें जो है यही बात जो है हिंदी में हमारे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिस पर क्लिक कर आप, आप आसानी पूर्वक इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जब यहाँ ये हो जाता है जब टिक माक आप कर देते हैं तो आपको नॉर्मली क्लिक करना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है डिकलेशन पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रिश्यूट पे क्लिक कर देना है जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आता है जहाँ पे कि आपको अपना नाम डालना होता है ये मैं एक डेमो बता रहा हूँ यहाँ पर आपको नाम डालना है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर अपना ई मेल आई पे पासवर्ड यहाँ पे फिर से री पासवर्ड और यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर और एक्टिवेट कर देना है अब याद रहे ये जो पासवर्ड डालना है अपने मन से डालना है आप जो भी डालना चाहते हैं जैसे कि एट द रेट के यू एम ए आर वन टू थ्री या फिर जैसे डालते हैं आपका नाम है दिलीप तो जो होता है ऐट द रेट दिलीप या फिर वन टू थ्री कर लीजिएगा चलिए क्या करते हैं हम इसको भर लेते हैं जो भी हमारा आ, इसमें डिटेल्स उसको भर लेते हैं जैसे ही अपना वहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपके सामने इस तरह का आ जाएगा जैसा कि दिखा थैंक यू फॉर यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अकाउंट नॉर्मली सबमिट हो चुका है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि अपने अपना अकाउंट सक्रिय करने के लिए धन्यवाद अब आप लॉग करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं आप नॉर्मली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप जो है फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे अब यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डी यानी जो अपना आपका ईमेल आईडी है वो आपका यूज़र आईडी हो गया और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो आप यहाँ पे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे अगर आपका ये पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं याद रहे अगर आपको लॉगिन का लिंक नहीं मिलता तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पर एक लॉगिन लिंक दे रखा है इस पर क्लिक कर आप लॉगिन लिंक पर भी आ सकते हैं अब हम क्या करते हैं अपना यूज़र आई और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन हो लेते हैं यहाँ पे हमने अपना यूज़र आईडी और जो है पासवर्ड डाल दिया है लॉगिन पे क्लिक करेंगे जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है जहाँ पे सबसे यहाँ पे आपके कॉर्नर पे आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे माय एप्लीकेशन आ जाएगा जहाँ पे सेशन सब अभी जो है नॉट येट सेलेक्टेडेड लिखा हुआ है अब आपको यहाँ पे करना क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट न्यू एप्लीकेशन नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा जो है सेशन और ईयरली चॉइस करने के लिए तो नॉर्मली आपको क्या करना है यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे पी इस पर क्लिक कर लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन दो हज़ार तेईस सत्ताईस इस पर क्लिक कर लेना जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है यहाँ पे उन्होंने आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने एक जो है पेज खुलकर आ जाएगा यानी कि फॉर्म का पेज खुलकर आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये खुलकर आ जाता है देखिए यहाँ पे आ चुका है यहाँ आने के बाद आपको देखिए यहाँ से जो है आपको कुल, कुल मिला के पाँच जो है आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं पहला पर्सनल डिटेल्स दूसरा एजुकेशन तीसरा है प्रोग्राम चॉइस पर फिर आपको है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड उसके बाद है सबमिट एप्लीकेशन आपको नॉर्मली क्या करना है चलिए यहाँ पे आना है यहाँ पे आपका देखिए नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा अब आपको यहाँ आकर आना है यहाँ पे आपको जो है अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप मेल फीमेल जो भी है वो डाल देना है नेशनलिटी ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है यहाँ पे देख लेंगे उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें अगर नहीं है तो नो करें यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको एनरोलमेंट नंबर देना होता है हमारे पास आधार कार्ड नंबर है वो डाल देते हैं आपको भी ये डाल देना होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो था वो हमने डाल दिया उसके बाद रिलीजन क्या है आपका वो देख लेंगे आप किस कास्ट से आते हैं यानी कि कौन से धर्म से आते हैं वो धर्म यहाँ पर डालना है आपको अगर आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी है देख लेंगे तो हम हिंदू में आते हैं तो हिंदुज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमारा कैटेगरीज आता है कैटेगरीज देख लेंगे आपका क्या आता है आप जनरल से आते हैं या फिर आप देख लीजिए एक चीज क्लियर कर दे अगर आप ओ के अंदर आते हैं अगर आप बी सी वन है तो यहाँ पे बी सी एवन सेलेक्ट करेंगे अगर आप बी सी में आते हैं तो आप बी BC... सी अगर ई बी सी है तो बी सी वन होता है यानी बी सी वन बराबर ई बी सी और अगर आप बी सी टू है तो बी सी होता है उसका मतलब हम बी सी वन और जो भी है, हम जनरल पे सेलेक्ट करेंगे हम जनरल हैं अगर सब कास्ट का जरूरत नहीं पड़ता है अगर आप एन सी सी वगैरह है आपके पास या फिर अगर सर्विस मैन है तो आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं अन्यथा इसको छोड़ देंगे याद रहे उसी उसी चीज़ को भरना है उसी कॉलम को जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है अब यहाँ पे आपको अपना फादर गार्जियन का नाम डालना है उनका प्रोफेशन डालना है कि वो क्या करते हैं साथ में उनका इनकम क्या है उनका मोबाइल नंबर क्या है अगर उनका ई मेल है तो आप वो डाल दें ऐसे वो मैजिट्री नहीं है चलिए क्या करते उसको हम फिल कर लेते हैं ऊपर फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिसिडेंस एड्रेस का आपको अपना एड्रेस जो है वो डाल लेना है एड्रेस uh, वन में आपका जो नाम आता है गांव का नाम उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए जो भी आपने हिसाब से इसको भर सकते हैं उसका तो आपका स्टेट ऑलरेडी चॉइस रहता है अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो एस से देख लेंगे अगर आपका बिहार से ही है तो नॉर्मली बिहार सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है डिस्ट्रिक्ट क्लिक करके अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सर्च कर आप डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे आपका जो पिन कोड आता है उस पिन कोड को भी यहाँ पर आप डाल लेंगे उसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है जैसे यहाँ आप सेवन एक्ट पे क्लिक कीजिएगा आप एजुकेशन वाले डिटेल्स में आ जाइएगा जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पे हायर सेकेंडरी है हम क्या करेंगे अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी वाले मैंने टेंथ की डिटेल्स में आपको बोर्ड का नाम आता है आप किस बोर्ड से अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट ऑलरेडी ऊपर पे आएगा अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो अदर पर क्लिक कर लेंगे हमारे पास ऊपर वाला बोर्ड है हम पासिंग जो है 2015 में किए थे तो वो जो है डाल देंगे आपको कितना नंबर आया था वो भी आपको डाल लेना है उसके बाद आपको कितना में से कि टोटल मार्क्स कितना का था तो पाँच तो सौ तो 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 का होता है वो डाल लेना है यानी कि कितना आपका मार्क्स का होता है साथ में आपको कितना नंबर आया था वो भी डाल देना है वो डालने के बाद आप परसेंटेज क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर ले लेगा उसी तरह से आपको सेम जो है जो ऊपर किया आपने नॉर्मली आपको सेम नीचे भी करना है हायर सेकेंडरी वाले में यहाँ पे पासिंग सेलेक्ट करना है एक चीज़ याद रहे कि हायर सेकेंडरी वाले में आपको स्ट्रीम आएगा कि आपने जो है इंटर किससे किया है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तो जिससे भी आपने किया वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम जो है साइंस से किए तो हैं तो हम साइंस पे क्लिक कर लेंगे और हमारा जैसे ही साइंस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद जो है फिर से आ जाएगा अब यहाँ पर फिर से आपको टोटल मार्क्स डालना है कितने नंबर का आपको ने एग्जाम दिया था फिर आपको कितना नंबर आया है वो डाल लेंगे जैसे ही डालेंगे अब फिर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये परसेंटेज ले लेगा अब आता है सब्जेक्ट्स टेकन यानी किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया था वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बारी बारी से चूज करना है और बारी बारी से आपको नंबर डालना होता है चलिए क्या करते हैं हम बारी बारी से चूज़ करके डाल लेते हैं जैसे मैंने सारा सब्जेक्ट चूज़ किया है याद रहे आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे जो है सबको बारी बारी से खोजना नहीं है आपको जो भी सब्जेक्ट डालना है नॉर्मली आप यहाँ पे जो है लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम तो वो आ जाएगा जैसे देख लीजिए हमने जो है यहाँ पे इंग्लिश मैथ और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दिया है और यहाँ पे हम जो है हिंदी डालेंगे जैसे हिंदी डालेंगे हमारा जो है यहाँ पे हिंदी आ जाएगा और याद रहे अगर आपका हिंदी इंग्लिश मिला के डेढ़ सौ का है तो वो भी उस हिसाब से भी आप डाल लेंगे चले क्या करते हैं हम नॉर्मली यहाँ पे साठ डाल देते हैं ये हमारा जो है साठ परसेंट हो गया इसको हम सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास जो है प्रोग्राम चॉइस करने का ऑप्शन आ जाएगा यानी कि अब हम यहाँ पे जो मेन है कि हम किस कॉलेज में एडिशन लेंगे वो प्रीफ्रेंस डालना है यानी कि आपको मिला कि यहाँ पे एड प्रीफरेंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आता है प्रोग्राम प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे आप क्या लेना चाहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर साइंस हम आर्ट्स पे क्लिक करेंगे कल कर... जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कॉलेज का नाम आ जाएगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है सारा कॉलेज जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा हम नॉर्मली क्या करेंगे एक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्मली देख रखते हैं यहाँ पे किस आपको जो है सब्जेक्ट क्या लेना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे जैसे ही सेव करेंगे मेरा जो है ये एक जो है सब्जेक्ट एक जो है हम सेलेक्ट कर चुके हैं आप इसी तरह से बारी बारी से जितना भी आप करना चाहते हैं कम से कम तीन को आपको करना होगा चलिए क्या करते हैं फटाफट फड़ तीन कर लेते हैं जो हमारे हिसाब से सही हम यहाँ पे तीन को ऐड कर चुके हैं अगर आपको इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो यहाँ एक्शन पे यहाँ पे एक्शन के नीचे में एडिट का ऑप्शन दे रखा है अगर आप उसको हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव पे भी क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं हम सेव एन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस पर सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो तो है हम आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा क्लियरली अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे कि फोटो आपका सिग्नेचर यहाँ पे देखिए जी फाइल में देना है यहाँ पे जी हो या फिर जी पी जी हो जे हो, हो वो कम से कम पाँच सौ के बी का होना चाहिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको डालना है मेट्रिक का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट होना चाहिए ट्वेल्थ का होना चाहिए वो भी याद रहे आपको जो है ये फाइल जो डालो अपलोड करना है वो पाँच एम का कम से कम होना चाहिए यानी कि पाँच एम से नीचे का होना चाहिए वो भी पी फाइल में होना चाहिए यहाँ आइएगा तो यहाँ पे आता है आपको टाइप ऑफ आप आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ में आपको क्या डालना है डाल देना चाहते हैं वो डाल दें उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं अन्यथा आपके पास अगर अगर इनकम है तो आप इनकम को भी अपलोड कर लें अगर आपके पास कास्ट है तो आप कास्ट को भी अपलोड कर लेंगे याद रहे कि देखिए आपको वही अपलोड करना है जो यहाँ पे मंजटरी है जैसा कि जैसे स्टार लगा हुआ है तो उस स्टार पे जो स्टार यानी कि जो स्टार लगा हुआ वो आपको कन्फर्म अपलोड करना होता है हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है सबको सबको हम तेज़ी से अपलोड कर लेते हैं हमने जो है सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है याद रहे आप एक चीज़ हरदम याद रखिएगा यहाँ पे जो है आइडेंटिटी प्रूफ आप विथ एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड डाल देंगे तो वो एक नंबर हो जाएगा यानी कि सॉलिड आप उस डॉक्यूमेंट हो जाएगा इस तरह से जो है हमने अपलोड कर लिया है हम सेव एन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेव एन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाए जैसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हम इस आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमको एक यस कर देना है आप मुझे रिडाइट कर देगा पेमेंट के मेथड पर यहाँ पे आप आके अपना एप्लीकेशन व्यू भी कर सकते हैं नथा आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे ही पे नाव पे क्लिक करेंगे आपको तीन सौ रुपये का चालान देना होगा जैसा कि देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद पे से पैसा पे क्लिक कर कर आपको नॉर्मली जो है पेमेंट कर देना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है नेट बैंकिंग क्यू कोड और जो है कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों मैंने एक बस डेमो करके बताया है आपको विशेष नहीं बताया आप डेमो के यहाँ से पेमेंट कर लेंगे और इस तरह से आप अपना जो है एमबू यूनिवर्सिटी में अपना जो है एडमिशन के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो सही लगा कहीं ना कहीं